दोस्तों, अगर आप RRC, NTPC और RRB ग्रुप डी का फॉर्म भरे थे तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस जो है आपके एग्जाम से रिलेटेड RRB कलकत्ता के वेबसाइट पर पब्लिश हुई है। तो वो क्या कुछ खबर है हम आपको बताएंगे। इससे पहले आपको एक और बात बता देना चाहते हैं, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रेलवे ग्रुप डी की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट नोट्स की आवश्यकता पड़ती होगी। तो हमने इस नोट्स जो है आपके एग्जाम में हेल्प हो इसके लिए हमने नोट्स तैयार कर रखे हैं जो कि आपके RRB के जो एग्जाम हैं और NTPC और ग्रुप डी दोनों एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये नोट्स सभी सब्जेक्ट का है, साइंस का भी है, पॉलिटिक्स का भी है, आपका मैथ का भी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट्स है। तो ये नोट्स आपको मिलेंगे कैसे, ये नोट्स मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों को दूंगा जो एक सवाल का सही जवाब देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस नोट्स को पाना चाहेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एग्जाम से कोई मतलब भी नहीं होता लेकिन वो भी अपना कमेंट कर देते हैं कि हमें भी नोट्स चाहिए। तो जिन बच्चों को नोट्स चाहिए उनको एक सिंपल सा सवाल का जवाब देना है। मैं आपको सवाल देता हूं दोस्तों, वो सिंपल सा सवाल ये है, आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे 2019 में पद्मश्री का सम्मान मिला था। निम्नलिखित में से किसे 2019 में पद्मश्री सम्मान दिया गया, ठीक है। तो आपके लिए जो ऑप्शन है वो है जॉन चैम्बर्स, गौतम गंभीर, बुद्धिदत्त मुखर्जी और बिछेंद्री पाल। तो आपको इसका जो सही ऑप्शन है ABCD कमेंट में लिखना है, और जैसे आपका सवाल अगर सी है तो आपको सी लिखना है, और आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, और इस मोबाइल नंबर पे मैं वो जो नोट्स आपको दिखाया हूँ वो व्हाट्सअप कर दूँगा। तो चलिए, जो आज की जो खबर है जो कि RRB के वेबसाइट पर पब्लिश है वो आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये जो खबर है RRB कलकत्ता के ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश हुई, जैसे कि आप ये लिंक देख पा रहे होंगे, इस लिंक में लिखा हुआ है कॉशंस अगेंस्ट फेक और रॉन्ग नोटिस और इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आपको बता दूं कि कई दिनों से सोशल मीडिया पे एक फेक नोटिस है जो कि वायरल हो रही है एग्जाम डेट को लेके, जिसमें बताया जा रहा है कि आपका एग्जाम जो है 15 या 16 अक्टूबर से कंडक्ट किया जाएगा। तो इसी ये जो खबर है ये फेक न्यूज था, इसी को लेके RRB कोलकाता ने क्लियरिफिकेशन दिया है। तो क्या नोटिस है मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके लिए RRB कोलकाता के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ जाइएगा। ये RRB कोलकाता का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, उसके बाद आपको सिंपल सा इसका मैं लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप सिंपल सा आइएगा तो ऊपर पहले ही पेज पे इधर बाएं हाथ में देख पा रहे होंगे एक दिख रहा है क्लिक हियर टू व्यू और डाउनलोड। तो आपको सिंपल सा इसमें क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद क्या नोटिस है ये आप डाउनलोड करके देख पाएंगे। तो ये मैं आपको पढ़ के पूरा नोटिस बता देता हूँ क्या खबर है। ये देखिए, ये नोटिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड कलकत्ता, इम्पोर्टेंट नोटिस, ठीक है। देयर मे बी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नोटिस बींग सर्कुलेटेड इन द सोशल मीडिया रिगार्डिंग नोटिफिकेशन और ऑफ RRB कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इग्नोर सच इन्फॉर्मेशन। RRB कोलकाता ने कहा है कि ये सोशल मीडिया पे एक नोटिस वायरल हो रही है, उससे सभी स्टूडेंटों को सतर्क रहना चाहिए। दे आर एडवाइज टू फॉलो ओनली ऑफिशियल वेबसाइट फॉर एनी इन्फॉर्मेशन नोटिस रिगार्डिंग बाई सेंट्रलाइज नोटिस। यानी कि जो आपको कहीं भी अगर वायरल ये मैसेज मिलता है कि आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम इस तारीख से हो रहा है, उस तारीख से हो रहा है, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको अपने एग्जाम डेट के लिए सिर्फ और सिर्फ RRB के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, RRB के सोलो ऑफिशियल वेबसाइट है, RRB चंडीगढ़ का वेबसाइट है, RRC चेन्नई का वेबसाइट है, ठीक है, RRC दिल्ली का है, RRB दिल्ली का है, RRB कलकत्ता, RRC NC, ऐसे करके जो रेलवे के जो ऑफिशियल वेबसाइट है सिर्फ उसके नोटिस पे ध्यान देना है। और आपको बता दूं कि एग्जाम के रिलेटेड अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया कि आपका एग्जाम कब से होने वाला है। एक हमारी सिर्फ उम्मीद है, एक कयास है जो हम बता सकते हैं कि आपका एग्जाम हो सकता है नवम्बर या दिसंबर तक कंडक्ट कर लिया जाए। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, बिहार डेलीगेशन के लिए चंदन कुमार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिएगा और वीडियो लाइक भी कर लीजिएगा। तो आज के लिए